अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? उम्मीद है सब ठीक होंगे। आज मैं एक न्यू रेसिपी लेके आई हूँ जिसे आप समोसा भी कहा जा सकता है और पोटैटो पिनल्स भी कहा जा सकता है। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया है 1 पाव मैदा ले लिया है, इसको हम डालेंगे एक बाउल में और इसमें हम डाल देंगे 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर डाल देंगे, ज़ीरा डालेंगे इसके अंदर और इसमें नमक ऐड कर देंगे, 1/2 टीस्पून इसमें नमक जाएगा और इसमें हम डाल देंगे ऑयल, थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे और इसको अच्छे से कर लेंगे, हाथ के साथ मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने ऑयल जो है इसमें मिक्स कर लिया अच्छे से। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे और इसको गूंद लेंगे। चलिए जी इसको गूंद लेते हैं। चलिए जी, ये जो है ये इस तरह से हमने आटा जो है वो गूंद लिया है और ये हो चुका है तैयार। अब हम इसको 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। यहाँ पे आलू जो है वो मैंने एक पाव ले लिए थे, तो इसको हम कर लेते हैं अच्छे से मैश कर लेंगे। चलिए जी, आलू जो है वो हमने कर लिए हैं मिक्स। अब हम इसमें बाकी चीज़ें ऐड कर लेंगे। यहाँ पे मैंने ली थी 2 अदद सब्ज़ मिर्चें जिनको ब्रीक मैंने चॉप कर लिया था और इसमें जाएगा सब्ज़ धनिया और इसमें जाएगा 1 टीस्पून इसमें जाएगी ब्लैक पेपर और 1 टीस्पून इसमें जाएगा खुश्क धनिया। इसमें थोड़ा सा सोडा ऐड कर देते हैं और इसमें जाएगा 1/2 टीस्पून इसमें जाएगी रेड कुटी हुई लाल मिर्च और इसमें जाएगा 1 टीस्पून इसमें जाएगा नमक और इसमें 1/4 टीस्पून इसमें जाएगी हल्दी पाउडर। तो इसको हम कर लेते हैं हाथ के साथ अच्छे से मैश कर लेते हैं। तो चलिए ये मिक्स हो चुका है। अब हम यहाँ पे कर लेते हैं फिलिंग। चलिए जी, आटे को जो है वो 10 से 15 मिनट हो चुके हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब हम इसको बेल लेते हैं। यहाँ पे हम थोड़ा सा ऑयल जो है वो लगा लेंगे और इसको हम अच्छे से बेल लेंगे। इसको रोटी की तरह जो है बेल लेंगे। तो देखिए, चारों तरफ से एक जैसी होनी चाहिए। इसको थोड़ा सा और बढ़ा लेंगे हम इस तरह से। ये देखिए, चलिए जी ये हो चुकी है तैयार। अब हम इसमें स्टफिंग कर लेते हैं। चलिए जी, इसकी हम अब इसके ऊपर इस तरह से आलू जो है मिक्सचर अच्छे से वो चारों तरफ लगा देंगे। चलिए जी, इसकी स्टफिंग जो है अच्छे से कर लेंगे और एक भी कोना जो खाली ना बचे अच्छे से फैला लेंगे इसको। और चलिए जी, ये बन चुका है। अब हम इसको रोल बना लेते हैं इसका। तो
इसको हम इसका अच्छे से हम बना लेंगे रोल। त्याज से ये देखिए इस तरह से करके इस तरह कर लेंगे हम रोल, और इसको थोड़ा सा हम बढ़ा लेंगे, आप देख सकते हैं। तो यहाँ से हम जो है थोड़ा सा बढ़ा लेंगे, और चलिए जी ये हो चुका है तैयार। अब हम इसको इस तरह से करके एक एक इंच छोड़ के इस तरह से करके इसकी कर लेंगे कटिंग, और ये देख सकते हैं आप इस तरह से इसको भी एक एक इंच छोड़ के गायब कट लगा लेंगे। ये देखिए इस तरह से करके और इस तरह से करके, तो अब हम इसको उठा के ये देखिए माशाल्लाह से इसको आप कोई भी शेप देख सकते हैं। इस तरह से हम कर लेंगे इसको गोल, तो एक एक करके हम इसकी शेप जो है वो कर लेंगे गोल। आप कोई भी शेप देना चाहे तो दे सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे गोल शेप दूंगी। ये देखिए ये ख़ास तौर पे बच्चों के लिए है, बच्चों को बहुत पसंद आएगा, लंच बॉक्स वगैरह के लिए भी ये बहुत ही मज़े का है। तो ये देखिए इस तरह से करके हम एक एक करके इनको कर लेंगे गोल। तो आप देख सके हैं ये तैयार हो चुके हैं। अब हम इनको कर लेते हैं फ्राई। तो फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पे मैदा जो है वो 2 टेबलस्पून अलग से निकाल लिया था, और हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर लेंगे और ग्रेवी सी बना लेंगे। तो इसको ज़्यादा जो है वो पतला नहीं करना, थोड़ा सा सख्त ही रखना है। थोड़ा सा और पानी ऐड करेंगे, ये देखिए इस तरह से करके इस तरह से ग्रेवी तैयार कर लेंगे और मिक्स कर लेंगे, और अब हम इनको कर लेंगे फ्राई। चलिए जी ऑयल जो है वो मैंने स्लो फ्लेम पे जो है वो गर्म कर लिया है, तो अब हम इनको इसके अंदर डाल देते हैं एक एक करके इस तरह से। हम इसको डिप करेंगे और इस तरह से करके इसके अंदर एक एक करके सारे जो हैं वो डाल देंगे। तो इस तरह से तो यहाँ पे हम इनकी साइड जो है वो चेंज कर लेते हैं इस तरह से करके। तो यहाँ पे ये हो चुके हैं तैयार। अब हम इनको बाहर निकाल लेते हैं एक प्लेट में इस तरह से करके, और इनको भी हम निकाल लेते हैं बाहर, और इसमें अब हम एक एक करके और डाल देते हैं। चलिए जी अब हम इसको कर लेते हैं फ्राई कर लेते हैं। चलिए जी ये भी हो चुके हैं तैयार। अब हम इनको भी बाहर निकाल लेते हैं प्लेट में। प्लेट में निकाल लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हो चुके हैं तैयार, बहुत क्रिस्पी से, बहुत ही यम्मी से
तो उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स दें, और इसे ज़रूर ट्राई करें। तो आज के लिए अल्लाह हाफिज़।